वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप लोगों के लिए यानी आईटीआई वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एमपीपीजीसीएल ने एक नोटिस निकाला है और ये जो है आप लोगों के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड की वैकेंसीज लेकर आने वाले हैं। यानी कि जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि ये जो फॉर्म है इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। अभी डिपार्टमेंट ने जो है सिर्फ एक स्मॉल नोटिस अपनी साइट पर अपडेट किया है, मैं साइट पर भी आपको दिखा दूँगा, और पिछले साल का जो इनका नोटिफिकेशन था जो नौवे महीने के आसपास आया था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एमपीपीजीसीएल आपको पता ही है एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है तो आप लोग मौका मत छोड़ना, इस डिपार्टमेंट को जरूर ज्वाइन करना। जो नोटिफिकेशन में इन्होंने डिटेल्स दे रखी है वो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि समझा सकूं, और जो पिछला नोटिफिकेशन है वो भी एक बार आपको दिखा दूंगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी साइट का, वहां से आप पुराना नोटिस भी निकाल के चेक कर लेना। तो यहां पर अभी इन्होंने एक स्मॉल नोटिस जारी किया है, ऑफिशियल साइट पे हम चलेंगे अभी थोड़ी देर में, उस पर आपको विश्वास हो जाएगा कि जो है यहाँ पर वैकेंसी सही में आई है या नहीं आई है। जैसे भी रिसेंटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हुआ था कि साइट पे कोई अपडेट नहीं आई, बस नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, वैसा नहीं है। एमपीपीजीसीएल इस तरीके की आपके साथ जो चीज़ें हैं वो नहीं करता, यहाँ पर आपको प्रॉपर नोटिस मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं पढ़ देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि संयंत्र सहायक, ठीक है, जो यहाँ पर आईटीआई के बच्चे हैं उनके लिए नियमित आधार पर भर्तियां हैं तो विज्ञापन। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा प्रदेश में विद्युत गृहों के संचालन, संधारण, निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु संयंत्र सहायक आईटीआई की आवश्यकता है। ठीक है, ये साफ साफ बोल रहे हैं। संयंत्र सहायक की सीधी भर्ती हेतु 100 पद, ये 100 पद ही निकालता है जिसमें से आपको एक क्राइटेरिया देता है, जिनमें सिगांजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा में भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप प्रभावित मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कुछ पद जो है रिजर्व रखे जाएंगे, और बाकी के जो पद हैं वो जो है यहाँ पर बचे हुए बच्चों के लिए निकाले जाएंगे। मैकेनिकल और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के बच्चे, आप ये समझे कि फिटर और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका देने वाला है ये डिपार्टमेंट। और बाकी किस स्टेट को इंक्लूड करता है, जब नोटिफिकेशन इनका फाइनल वाला आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो मैं जो है आपको ऑफिशियल साइट पर लेकर चलता हूँ जिससे कि आपको विश्वास हो जाए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखें, 1 अगस्त 2019 का इसका नोटिस आएगा, उसके बाद 30 अगस्त 2019 से जो है आप जो है यहाँ पर लास्ट डेट देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है, हम साइट पे चलते हैं। तो ये जो है इनकी ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको भी इसी तरीके से जाना है। ये करियर वाला आप पार्ट देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप करियर पे क्लिक करेंगे, करियर पे क्लिक करते ही आपको ये रीडायरेक्ट करेगा इनके नोटिफिकेशन वाले पेज पर। तो ये जो है आपको इस पेज पे जो है रीडायरेक्ट करेगा, पहले नंबर पे आपको नया नोटिस दिख जाएगा, और बाकी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है इनके पुराने जो नोटिस थे, पुरानी जो रूल बुक थी, पुराने जो एडवर्टाइजमेंट थे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसीज है, यहाँ पर जो है आपको एडवर्टाइजमेंट स्मॉल वाला मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको डिटेल वाला मिलेगा। तो प्लीज़ एक बार इसे ओपन करके देख लेना ताकि आप लोगों को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए कि किस तरीके की वैकेंसीज यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, ये नोटिफिकेशन मैं यहीं से निकाल रहा हूँ, डिटेल वाला रूल बुक यानी, जिससे कि आपको जानकारी थोड़ी हो जाए। बढ़ते हैं आगे। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, इस तरीके से इनका नोटिस होता है, पूरा क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फीस रखे जाती है यार, फीस थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। तो आप अगर सोचते हैं कि आप इसका एग्ज़ाम निकाल दोगे, या पिछले साल आपका एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आपको सफलता नहीं मिली या क्रैक नहीं कर पाए, तो आप जो है इसका एग्ज़ाम ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपकी तैयारी नहीं है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें फ़ी का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड्स है, यहाँ पर आपका वाहन इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद जो है वायरमैन है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर ये तो हो गए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की बात। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर एलिजिबल है तो ये मौका मत छोड़ना। एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, एज यहाँ पर लंबी ही रखी जाती है। और आप सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरा का पूरा पुराना नोटिस है, इसी के बेस पर आपको जो है वैकेंसी दी जाएगी। ये जो है बहुत ही लंबे समय से आप लोगों के लिए इसी तरीके का नोटिस निकालता है, बस जो इनका डेट का क्राइटेरिया वो चेंज कर देता है। हो सकता है कि इस बार सैलरी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हों। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन
जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो तो हर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट के बच्चे होंगे वो खाली जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। एससी, एसटी, ओबीसी से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की इन्फॉर्मेशन आपको नए वाले नोटिस में मिलेगी, जो अब 1 तारीख को ही अपडेट करेंगे अपनी साइट पे। रही बात स्टडी मटेरियल की, वो मैंने थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पेड है, और बाकी जो आने वाला होगा, जो मैं क्रिएट करूंगा, वो आपको 1 तारीख के बाद ही मिलेगा। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। एक आईटीआई वाले बच्चों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना और इस नोटिस को गलत मत समझना, क्योंकि साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आपको दिख जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह इस नोटिस में कोई भी आपको जो है भेदभाव नहीं दिखेगा, कोई भी यहाँ पर चालाकी नहीं दिखेगी कि नोटिस को एडिट किया हुआ है। ये नोटिस आपको ऑफिशियल साइट पर दिख जाएगा। अगर आप एमपी से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं, आईटीआई से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने आईटीआई वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, या फ्यूचर में आईटीआई करना चाहते हैं करके बैठे हुए हैं उनके साथ भी शेयर कर दो, ताकि टाइम पर हम उनको जो है इन्फॉर्मेशन देते रहे। बाकी के कमेंट आप जो है मेंशन करो, हम जो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो कमेंट के बेसिस पे इन्फॉर्म कर सकें। इंपॉर्टेंट लिंक्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। ये पुराना नोटिस है, इस पर अभी जो ज़्यादा ध्यान मत देना, नए नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।